बागमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोजा 4 नंबर स्कूल के करीब बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूं अभी हुसैन शेख। बीजापुर तरकारी व्यापारियों ने जीती कानूनी लड़ाई, मगर अब भी जारी है संघर्ष। बीजापुर तरकारी व्यापारियों ने कानूनी लड़ाई जीतने के बावजूद भी अब भी जारी है पालिका कमिश्नर और पुलिस के साथ संघर्ष। पिछले 2 साल से अधिक बेसहारा और गरीब बीजापुर के नेहरू और LBS मार्केट के बीच गांधी चौक से नालबन चौक तक रहे 183 तरकारी व्यापारियों को गैर कानूनी तौर पर रास्ता सुधार के नाम से हटाकर इन्हें बेसहारा किया गया था। जब हाईकोर्ट में चली पेट भरने की इस लड़ाई में आखिरकार व्यापारियों के हक में कोर्ट ने फैसला सुनाकर एक तरफ बड़ी राहत दी, तो दूसरी तरफ इस आदेश के चलते व्यापारी दोबारा इस जगह पर बैठकर अपना कारोबार चलाने के लिए बैठे, तो पुलिस बल का सहारा लेकर कमिश्नर ने कोर्ट के इस आदेश को मानने से ही इनकार करके कारोबार से रोका इन व्यापारियों को। इस पर तरकारी व्यापारी आक्रोशित होकर शहर के MLA के इशारों पर कमिश्नर और पुलिस विभाग कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हम पर जुल्म कर रही है, हमारा हक मिलने तक ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे फांसी पर चढ़ा दो या जेल भर दो, हम यहीं मरकर दफन होंगे। इनके इस संवैधानिक विरोधी रवैये पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की चेतावनी दी है व्यापारियों ने। आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि कर्नाटक सूबे की हाईकोर्ट ने इन 183 लोगों को गांधी चौक से लेकर बांगिया हॉस्पिटल तक नेहरू मार्केट और LBS मार्केट के बीच में बैठकर आप लोग आराम से अपना कारोबार कीजिए ये कहकर हमारे हाईकोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर को हम लोग लेकर हम बैठे थे, लेकिन हमारे सूबे के हमारे जो शहर के कमिश्नर हैं, कमिश्नर और यहाँ की पुलिस जो है हम लोगों के ऊपर दब्बाड़ की कर को हम न सब जने को कोर्ट का आदेश नहीं मानते, ये कोर्ट का आदेश हमें नहीं मानते, ऐसा हम ना खुला बोले हो ना, कोर्ट का कोई आदेश हमें नहीं मानते, तुम्हें यहाँ नहीं बैठने का कर को बोल को उन्हों कोर्ट का अवमान ना करें, हमें कोर्ट के खिलाफ इन अवमान ना करें, सो हमें उनके खिलाफ केस कर रहे हैं। अब हमें उनको डरने वाले नहीं, हमें यहाँ बैठते हैं, हमें सब जने यहाँ बैठते हैं, आप हम ना उन्हों झेल भरेंगे, हम ना उन्हें लेकर जाकर फांसी की सजा देते कि नहीं, कि न तो हमारा खबर यहाँ खोजते कि नहीं, कि आज के बाद हमें यहाँ से नहीं हटते, जो होने का हो दे, आप जो भी करना है कोर्ट कचहरी जो कानून प्रक्रिया है हम ना कानून प्रक्रिया से हमारे साथ उन्हें क्या करते हैं करें दे। ये कोर्ट का आदेश क्या है? ये कोर्ट का आदेश है 183 लोगों को यहाँ से हटाना नहीं, इनको यहाँ से जब तक इनको हमना नहीं पूछते कोर्ट को, जब तक कोर्ट को अप्रोच नहीं होते तब तक आग हम ना पूछते नहीं, तब तक इनको हटाना नहीं कर को बोलें। आप इन्हों आए धड़ाधड़ा आग को हमें मेल भी करें, पूरे लोगों को मेल करें, हमें जितने संबंध पट अधिकारी हैं इनको सबको मेल करें, और इनको इस्ती भी कोर्ट से भी इनको नोटिस आ गए तो भी इन्हों हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हैं, इसके दबाव में इन्हों एक MLA के दबाव में कर रहे हैं, ये सीधा सीधा हमारा आरोप है। पुलिस और कॉरपोरेशन MLA की गुलामी कर रही, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये कल भी आपकी मीटिंग हुई थी महानगर पालिका कमिश्नर के साथ, हाँ। तो उसमें क्या आपका समझौता नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने बोले यहाँ बैठो कहते करो बोल को, हमें ऑर्डर को ये करेंगे कहते यहाँ बैठो को, यहाँ बैठ को तुम्हें ये करो कहते, हम ना जरा बात करने टाइम दो कहे, हमें टाइम दिए, अब उन फिर को पढ़ रहे हैं, नहीं हमें तो वो सब मानते नहीं, हमें कोर्ट का आदेश नहीं मानते को रहे, वो फिर ये कोर्ट आदेश नहीं माने कर बोले, तो भी कोर्ट कचहरी है कहीं को, जब खुद कानून के रखवाले चुनो कानून के हमारे साथ ये करने लगे, ये हमारे साथ धोखा है, बिल्कुल भी गरीब लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं, और जिनके पीछे कौन भी नहीं है इनके साथ धोखा दे रहे हैं, और जिनके पीछे कौन भी नहीं है इनके पीछे ना कोई पॉलिटिकल पावर है ना क्या भी है, ये लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, ऐसा पेट को लात मारने का काम करे, सो ये बीजापुर का पहला MLA पूरे कर्नाटक का भी पहला MLA करके बोले को तो कौन सा भी हर्ज नहीं है।
तो अभी क्या करने वाले हैं हम? हमें कुछ नहीं, हमें यहाँ बैठ जाए, क्या हुआ सोता कि नहीं क्या आप? हमें कल यहाँ प्रेस मीट कर रहे हैं, वो चरस्ते के ऊपर बैठ को प्रेस मीट करते हैं कल, कह रखो हमें वहाँ बैठते हैं, हमारी जान गई तो भी हमें वहाँ बैठते हैं। महीनों दिन बिड़गी एक्स कारपोरेटर ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ 183 ಮಂದಿಗೆ ಬೀದಿಪಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಮಂಚಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಒಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೆಸಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ಯಾರ ಇವತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಸೀದಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೈತಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ನೀವು ಏನೂ ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳುವುದಿದ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಏನಾರ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗುಂಡಾಗಿರ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ನಮಗೆ ಎಬ್ಸಿರಿ, ಏನಾರು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕೇಸಿನ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಂಜಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಭಾಳ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಬಡವ್ರ ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಭಾಳ ಆಯಿತು. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೇಸಿ ನಾ ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಇದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸ್ಯಾರ. ನಾವು ಅಂಜಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನಮಗೆಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಾರು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸಿಂದ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿಂದ ನಾವು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಡ್, ಗ್ರೋಸರಿ, ರಾವ್ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಫಿಶ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಮಿಠಾಯಿ, ಮೆಡಿಷನ್, ಚಾಯ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ವೋ ಭೀ ಅಪ್ನೆ ಮನ್ ಪಸಂದ್ ಶಾಪ್ ಸೇ ಸಿರ್ಫ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ತಕ್. ಅರೆ ವಾಹ್, ಮೈ ತೋ ಅಭಿ ಆರ್ಡರ್ ಕರ್ತಿ ಹೂಂ, ಕ್ಯಾ ಬತಾಯಾ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್ ಭೀ ಗೋಸ್, ಇಸ್ ಆಪ್ ಕೇ ಬಾರೇ ಮೇ ಕಿಸೀ ಕೋ ಮತ್ ಬತಾನಾ. ಸುನಾ ಆಪ್ನೆ ಕಿಸೀ ಕೋ ಮತ್ ಬತಾನಾ. और खबरों के लिए देखते रहे।
रहिए बी न्यूज़ नेशन।